अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हालांकि इसकी वास्तव में पृष्ठभूमि ये है कि हमारी पार्टी बीएसपी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद उनके अधूरे पड़े कारवां को न केवल गति प्रदान की है, बल्कि काफ़ी उतार चढ़ाव का सफर तय करते हुए उसे ऐतिहासिक सफलताएं भी प्रदान की हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी ने इनके द्वारा यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार लोगों को मान सम्मान की जिंदगी बसर करने हेतु राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने की दी गई उसी अमर वाणी व मिशनरी लक्ष्य को सही मायने में जमीनी हकीकत में बदलने के कर्म में ही यहाँ लोहिया जी के बताए हुए रास्तों पर चल रही समाजवादी पार्टी से पहले सन 1993 में माननीय श्री कांशीराम जी व श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा गया था। और फिर उसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण राज्य में हवा का रुख पूरी तरह से बदलते हुए तथा बीजेपी जैसी घोर जातिवादी व सांप्रदायिक पार्टी को पछाड़ते हुए तब यहाँ सरकार भी बनाई गई थी। हालांकि ये गठबंधन कुछ गंभीर कारणों की वजह से ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका था, लेकिन अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में